कोरोना वायरस से उपजे संकट के दौरान भूखों को खाना खिलाना आज की तारीख का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे रीवा के सेंट्रल किचन और दिखाएंगे अब तक 3 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट वितरण कर रही संस्था किस तरीके से खाना बना रही है, किस तरीके से वितरण कर रही है, और वह भी बगैर आग जलाए, बगैर गैस चूल्हा जलाए। आइए चलते हैं रीवा के सेंट्रल किचन और दिखाते हैं वहां का नजारा। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। मेरे ठीक पीछे कलेक्ट्रेट एक की बिल्डिंग है और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सड़क में लिखा कोई भी रोड पर ना निकले। नगर पालिका निगम रीवा का एक पैगाम है, इनकी बात फिर कभी। आज हम पा पहुँचे हैं रीवा की सेंट्रल किचन में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिछले 25 तारीख से लगातार खाना बनाया जा रहा है, उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है जिनको इस संकट की घड़ी में खाना पहुँचाने के लिए ज़रूरत है, दो वक्त की रोटी जिनके लिए ज़रूरत है। हम यहाँ पर ठीक सेंट्रल किचन के अंदर हैं, इस पूरे कार्यक्रम की पूरे उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जिनको रखा गया है डॉक्टर मुकेश एंगल। जी हाँ, डॉक्टर मुकेश एंगल हमारे साथ हैं। मुकेश एंगल जी, न्यूज़ नेटवर्क टुडे को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका धन्यवाद। जैसा कि हमें मालूम है, अभी तक पिछले 25 तारीख से 3 लाख से अधिक पैकेट यहाँ के लोगों तक पहुँचाए जा चुके हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा और आपकी पूरी प्रक्रिया भी देखूँगा और दर्शकों को समझाऊँगा भी। आप हमारे दर्शकों को भी समझाइए, अभी तक आपने कितने पैकेटों का वितरण किया है? सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में लॉकडाउन से बेहतर कोरोना से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज सेवा का कोई लॉकडाउन नहीं होता है। कारण आप 14वीं शताब्दी में देखें तो पूरे विश्व में फ्लू फैला था, उस समय भी सामाजिक कार्य के लोग आगे आए थे और उस समय जबकि लाखों लोग मारे गए थे। फिर आप दूसरा प्रकरण देखें 1920 के आसपास का, 1920 में जो स्पैनिश फ्लू जिसको नाम लिया जाता है, यूरोप की 33% आबादी ख़त्म हो गई थी उस केवल स्पैनिश फ्लू में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट बाद। लेकिन उस समय भी सामाजिक संगठनों के लोग ने उन पीड़ितों को जो घायल अवस्था में थे, जो बीमार थे, उनको सेवा पहुंचाई थी। और ये क्रम पूरे विश्व में चलता है, इसलिए मैं अक्सर अपने साथियों से कहता हूं कि सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता। सेवा निश्चित रूप से, डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा, मैं अभी आपसे गंभीरता से बात करूंगा, आज हम पूरे मसले पर बात करूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उस दौरान जब स्पेनिश फ्लू फैला, तमाम तरीके की बीमारियाँ कभी न कभी इस दुनिया में आती रहीं, संकट आता रहा। हर बार संकट के दौरान अगर कोई आया तो वो थे समाज सेवी। सरकार अपनी जगह मदद तो करती ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर समाज सेवी ना हो, समाज सेवी मदद के लिए आगे ना आए, तो सरकार अपने मकसद में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती। दाल चावल आटा गेहूं एक तरीके से कहीं पर रख देना उन गरीबों तक नहीं पहुंच सकता जब तक उनको पहुंचाने वाले ना हों। डॉक्टर साहब, मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है, आपकी टीम में अभी तक कितने लोग हैं, कितने वॉलेंटियर्स हैं? जैसा कि आप बता चुके हैं, हमारे दर्शकों को भी मालूम है, 3 लाख पैकेट हमने अभी तक वितरण किए हैं। जी जी। लगभग 15,000 के आसपास पैकेट आप रोज वितरित करते हैं, तो पूरी पैकेट वितरित करने की प्रक्रिया जरा हमको समझाइए। क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि अन्न का रखा जाना अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमारी ये टीम जिसमें 80 कार्यकर्ता यहाँ से खाना लेके निकलते हैं और टोटल मिला के 200 कार्यकर्ता हैं जो रीवा इस नगरीय क्षेत्र में लगभग 54 पॉइंट पर और प्रतिदिन 13,500 लोगों तक में अन्न पहुंचाते हैं, पका हुआ भोजन जिसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, जिसमें अब अनुसंधान शुरू हो रहे हैं। दिल्ली से भी और चित्रकूट विश्वविद्यालय से की टीम अनुसंधान पे आगे आ रही है और हमारे वर्कर्स जो है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथी अपनी परवाह किए बगैर लगातार पिछले 25 मार्च से फील्ड में उन ज़रूरतमंदों को जो बेघर हैं, जो गरीब हैं,
जिन तक खाना नहीं पहुंच सकता वहाँ यहाँ से टीम निकलती है और उन तक भोजन पहुंचाने का कार्य करती है। और आज स्थिति यह है कि आज एक माह से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हमारे किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर न कोई शिकन है, न कोई परेशानी का भाव है, बल्कि वही शिद्दत, वही मुस्कुराहट के साथ में वो यहाँ से निकलते हैं इस तपती दोपहरी में उन तक भोजन पहुँचाने का काम। शायद इसी को कहते हैं समाज सेवा का जज्बा। निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ के समाज सेवकों को इकट्ठा करके डॉक्टर मुकेश अंगल ने एक अनूठा यहाँ पर वो दिया है, मैसेज दिया है, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हम इस समय सीधे प्रवेश कर रहे हैं किचन के अंदर। आज हम आपको यहाँ से सेंट्रल किचन से जुड़ी हुई तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो चीज़ देख रहे हैं, ये हैं खाने के पैकेट जिनको यहाँ पर पैक कर दिया गया है। और उन आप देख रहे हैं खाने की जो भी टीवी स्क्रीन पर आप अपने देख पा रहे हैं, जिस तरीके से खाना दिया जा रहा है, ये अपने आप में ठीक वैसे ही खाना है जिस तरीके से खाना आमतौर पर हम आप घर में खाया करते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं पहले खाने को टेस्ट करते हैं, उसके बाद खाने की गुणवत्ता, अगर उनको ये लगता है कि ये खाना हमारे खाने लायक है तभी वो खाना आगे वितरण के लिए जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ साफ सफाई चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया जा रहा है। खाने का यहाँ पर भरपूर स्टॉक है, भरपूर इंतजाम है, लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ खाना बांटा जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जिस तरीके से आप खाना बांट रहे हैं, इस खाने में आप क्या क्या देते हैं? मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो सेंट्रल किचन है ये गैस पर या वैसे नहीं बनता है, ये पूरा एक वैज्ञानिक तरीके से है जिसमें स्टीम तैयार होती है। और आप ये हमारे पीछे हम लोग कोशिश करेंगे जिस जगह पे खाना बन रहा है वहाँ मतलब उस जगह पे चल के जरा हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाइए ये कौन सी पद्धति से आप खाना बना रहे हैं। पीछे बॉयलर है और बॉयलर में स्टीम तैयार होती है, स्टीम आके यहाँ पर निकलती है और इसमें प्रतिदिन जैसे आज आप देखेंगे तो पुलाव और छोला है, किसी दिन पुलाव और कढ़ी बनती है, किसी दिन चावल और दाल बनता है, किसी दिन खिचड़ी बनती है। और यहाँ पर 13,000 लोगों का खाना हर बार केवल मात्र 4 लोग मिलकर बना लेते हैं दिन भर में। और ये आप देखें कि लगभग एक एक क्विंटल खाना मुश्किल से 20 या 25 मिनट लगते हैं इसे बनने के लिए। जो हमारे सेंट्रल किचन के प्रभारी हैं जो देखते हैं सौरभ तिवारी जी से मैं चाहूँगा कि आप उनसे स्वतः देखें। निश्चित रूप से मैं सौरभ तिवारी जी से भी बात करूँगा। सौरभ तिवारी जी, आप 2 मिनट हमें वक्त दीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा, रीवा में शायद ये इस तरीके का पहला सेंट्रल किचन होगा। ये किचन में जिस तरीके से खाना बनाया जा रहा है, बॉयलर से भाप बन के आती है, उसके बाद 20 मिनट में यहाँ पर खाना, इतना खाना तैयार हो जाता है जिससे कम से कम 1,000 लोग खाना खा सकें, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको ये बताइए कि किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाइयाँ तो जो भी हैं तो हैं, मतलब पर शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है और 12-13 हज़ार लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है और उसका प्रयोग हम मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा प्राप्त किया गया है यहाँ पे। और फील्ड में अभी आपको क्या किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुकेश सर द्वारा इतना अच्छे से मतलब पालन किया जा रहा है, इनकी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी से मतलब प्रॉपर हर जगह खाना बांट रही है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपने अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, एक तरफ पुलाव बन रहा है और एक तरफ छोले बन रहे हैं। छोले और पुलाव आज का मेनू माना जा सकता है। ये उस तरीके की व्यवस्था आम तौर पर जिस तरीके से घरों में लोग अपने इंतज़ाम करते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर छोला बनाया जा रहा। छोला बनाने वाले लोग भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइए, छोला आप बना रहे हैं, रोज इसी तरीके से आप खाना बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। राजू जी। राजू सिंह। ये हैं राजू जो छोला बनाने का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम लोगों की 200 वर्कर समाज से भी 200 समाज से भी इस जगह पर मौजूद हैं। शासन के प्रतिनिधि के रूप में फूड ऑफिसर भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शासन के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, आप फूड ऑफिसर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
आप शासन की तरफ से किस तरीके की मदद यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं? यहाँ पर जो ये वेलफेयर में चल रहा है कोरोना के संबंधित जो फूड पैकेट्स तैयार होते हैं उनको बनवाने में शासन के साथ सारी सभी संस्थाएं सहयोगी काम कर रही हैं और बहुत ही हाइजेनिक फूड तैयार होता है। यहाँ साफ़ सफाई आपने देखी, यहाँ के वर्कर्स का देखा, सिविलाइज्ड हैं, बिल्कुल मैकनाइज्ड हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था, मैं 5-7 जिलों में रह चुका लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था मैंने यहाँ देखी, ये डिवीज़न ऑफ लेबर जिसको श्रम विभाजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इतनी अच्छी NGOs जो हैं, सामाजिक संस्थाएँ, ख़ासतौर से डॉक्टर मुकेश, उनके छोटे भाई डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, इन लोगों का इतना अच्छा कोऑपरेशन मैंने नहीं देखा था आज तक रीवा में जो मुझे देखने को मिला। और एक समय में लोगों को फूड मिल रहा है, नीडी पर्सन को मिल रहा है, कहीं कोई असंतोष नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी कर्म और बड़े प्रतिनिधि भजन प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, कोरोना के चलते लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसके दौरान भी 200 लोग आपके साथ हैं, आपकी टीम में 200 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, फिर भी क्या आपको किसी तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? कोई समस्या नहीं आती, उनके घर के सामने उनका फूड पहुंचता है। हमारी जो संस्थाएं हैं इतना अच्छा सहयोग है इनका कि मैं कितनी तारीफ करूं उनकी। हमारे दर्शकों को आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अंबोज कुमार श्रीवास्तव है और असिस्टेंट फूड ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पर, असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर के नाम। श्रीवास्तव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ नेटवर्क टुडे को एक गंभीर जानकारी दी। जी हमारे जो कलेक्टर साहब हैं और हमारे जो जिला पंचायती है इनका एक इतना अभिन्न सहयोग हुआ। निश्चित रूप से रीवा के अधिकारी इस समय ऐसे काम कर रहे हैं जिस तरीके से उनसे उम्मीद नहीं थी। यहाँ का चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, लगातार कोरोना से उन जूझ रहे लोगों को जो घर से नहीं निकल पा रहे उन तक खाना पहुँचाने का एक सबसे ज़रूरी काम। निश्चित रूप से अगर ये खाना उन तक नहीं पहुंचता, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से देख रहे हैं, ये पैकेट अगर लोगों तक नहीं पहुंचते तो यहाँ जिस तरीके से भुखमरी फैलती उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किस तरीके से लोग सड़कों में आते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। यहाँ पर एक हाइजीनिक तरीके से खाने के इतने पैकेट बन गए, फिर भी खाने की एक स्मेल नहीं। इसी को कहते हैं एक शानदार व्यवस्था, शानदार तरीके से की गई। आप तमाम लोगों ने हमें जो समय दिया, न्यूज़ नेटवर्क टुडे को जो समय दिया, उसके लिए न्यूज़ नेटवर्क रीवा के दर्शकों की तरफ से मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।